बाहरी दिल्ली नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 3 कोलंबी कला मेट्रो बिहार में रहने वाला 8 साल का मासूम प्रिंस कूड़ेदान में कूड़ा डालने गया और हमेशा के लिए घर दुनिया से चला गया। जैसा कॉलोनी के निवासी ने बताया, बच्चा कूड़ा फेंक कर वापस रोड पार कर घर के लिए रवाना हुआ और तेज रफ्तार टेम्पो बच्चे को रोनता हुआ भाग रहा था। कॉलोनी के लोगों ने भागकर टेम्पो चालक को दबोच लिया, जो नशे की हालत में बताया जा रहा था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस से नाराज कॉलोनी वासी ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। आज मैं मौजूद हूं मेट्रो बिहार और NIA थाना क्षेत्र, और इस समय यहां पर इन लोगों ने रोड जाम किया है। यहां बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक बच्चे की किसी गाड़ी के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि तेज गति से यहाँ वाहन चलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और यही नहीं, DTC का यहाँ डिपो है, उसकी भी गाड़ियाँ यहाँ बड़ी तेज़ी से निकलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पहले भी एक लड़के की मौत हो चुकी है और दो लड़कों की मौत हो चुकी है, और आज ये बच्चे की मौत हो। ये कौन सी गाड़ी थी वो, और क्या से क्या हुआ है, कितने कितना बड़ा बच्चा है? कूड़ा फेंकने आया था बच्चा, और ऐसे करके उसके पहले उसने ध्यान नहीं करा, और ड्राइवर जैसा आया है ना, ट्रक आया है क्या, तो बच्चे का एकदम से रखी थी जैसे बच्चा वहाँ से आया एकदम गाड़ी। लड़का जो 8 साल का लड़का है, वो कूड़ा फेंकने के लिए यहाँ पर आया था। गाड़ी जो है, ड्राइवर जो गाड़ी चला रखी थी पी रखी थी शराब, उनने जिस तरह गाड़ी उस पर चलाई थी, तो मैं अपनी स्कूटी खड़ी करने गया, इतने में तो गाड़ी उसके आगे पकड़ी, लोग बागों ने पकड़े, गाड़ी खेतों में खड़ी करवा ली। अब वो उसमें हाथ पैर जोड़ने लग गया, वो लड़के को अस्पताल ले गया, वहाँ से वो ड्राइवर भाग चुका है। ठीक है, पुलिस ने कंप्लेंट करी है। पुलिस जो है पूरा मार रहे हैं हमें, यहाँ पे आके हमें डंडे मार रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले डंडे मांग रहे हैं, और उनने दो पहिए चढ़ाने के बाद भी उसको आवाज मारी है, फिर भी नहीं रोका, भाग रहा था। चाबी दे दो ट्रक की, हम ट्रक ले जाएंगे। ये लोग रिश्वत खाते पुलिस वाले, उन्हीं से जो जिसका ट्रक है मालिक ने फोन करा ही नहीं, वो कह रहा ट्रक की चाबी दो। हम क्यों दे चाबी, हमारा बच्चा गया है। के हमें हमारी मांग प्रशासन से यह है, प्रशासन हमारा पूरा साथ निभा रही है यहाँ पर, प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है। जब भीड़ होगी पब्लिक, प्रशासन तो हटाएगा पीछे को। हम ये चाहते हैं ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा मिले, और हमारे बच्चों को जो भी है उसको रोड जाम करना भी जो है कोई समाधान नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी का कोई भाई, कोई बंधु, कोई जो बीमार भी हो सकता है, तो आप रोड जो जाम कर रहे हैं वो भी गलत है। आप मांग कीजिए, बिल्कुल मांग कीजिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी को भी कोई मार्ग बंद करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ ये लोग दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं, और तेज गति से आने वाले वाहन जी, ना ही कोई यहाँ का विधायक काम कर रहा है, ना ही कोई यहाँ का काउंसिलर काम कर रहा है। रोड पूरा ऐसे का ऐसी है, पता है कॉलोनी है, बच्चे यहाँ पे भागा दौड़ी करते हैं, कोई ब्रेकर नहीं इस रोड पे। गाड़ी अंधाधुंध, जब से ज्यादा ये बसें हैं, बसें सबसे ज्यादा तेज गाड़ी चलती है, बसों वाली डीटीसी की बस। उस दिन मैं ही बच गया था, यहीं पे पार्क के सामने, बस वाला मुझे उड़ा देता, बड़ी कोशिश करके पार्क खेतों में जा घुसा हूं मैं जब मेरी जान। ये भी बड़ा जो है चिंता का विषय है कि यहाँ पर जिस तरह से तेज गति से जो है यहाँ पर जो है बसें जो चलाई जा रही है वो भी गलत है। DTC की बसें यहाँ पर, क्योंकि बवाना डिपो यहाँ बन चुका है, और उसके अंदर से जो बसें आती हैं वो बड़ी तेज गति से आती हैं, और यहाँ सुबह और शाम दोनों समय बसें यहाँ पर चक्कर काटती हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई ना कोई हादसा होने का अंदेशा हमेशा रहता है। जिस तरह से आज एक बच्चा अपनी जान से चला गया, तो जरूरत है ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की। और यहाँ जिस तरह तेज गति से चलते हैं, और यहाँ जबकि रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के अंदर कभी भी तेज गति से चलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है, और अगर यहाँ तेज गति से चलते हुए वाहन अगर यहाँ किसी किस्म की दुर्घटना तो आपकी लोगों के साथ करते हैं, गाड़ी तोड़ दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी, उसका पब्लिक के ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं है। इसका पब्लिक की मार, देखिए कानून को हाथ में लेना गलत होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं कहेंगे किसी को भी। काफी टाइम सर, एक दफे की काफी टाइम की बात होगी, इसके अंदर एक दफे की बात नहीं है। ये पब्लिक का गुस्सा है, ये पब्लिक का गुस्सा है, जो पब्लिक का गुस्सा है, कह रहे हैं कि वो नशे की हालत में गाड़ियां लेकर आते हैं, जो गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र के जो अधिकारी है और जो नेता है, इस पर क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं। बने रहे टैलेंट अपने साथ।